यूं तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री शुरू से ही खूबसूरत चेहरों के हसूल में मालामाल रही है। सिल्वर स्क्रीन पर बहुत से खूबसूरत चेहरे आए जिन्होंने अपनी सलाहियतों का जादू जगाया और एक वक्त आया कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री लॉलीवुड के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाने लगी। इस दौर में जेबा, शबनम, बाबरा शरीफ जैसी अदाकाराओं ने अपने आलमी नकूश छोड़े। इसके बाद आसिया, अंजुमन, नीली, नादरा जैसी अदाकाराओं ने इस इंडस्ट्री पर राज किया। लेकिन फिर फिल्म इंडस्ट्री पर जवाल आया और फिल्में बनना तकरीबन बंद हो गई। उस दौर में भी बहुत से बासलाहियत चेहरे आए लेकिन मुनासिब मौके न मिलने की वजह से वो स्क्रीन से दूर होते गए। लेकिन एक ऐसा खूबसूरत चेहरा इस जवाल के दौर में फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बना कि जिसने अपनी सलाहियतों से प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के दिलों में घर कर लिया और फिल्म बीन तबका भी उसकी सलाहियतों को सराहे बगैर ना रह सका। जी हाँ, वो है खूबसूरत, गॉर्जियस, टैलेंटेड साइमा जान, जो आजकल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अपनी सलाहियतों का जादू जगा रही हैं। अब तक उनकी तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा फिल्में मंजरेआम पर आ चुकी हैं। साइमा जान की कुछ फिल्मों के नाम हम आपको बताते हैं जिनमें उन्होंने अपनी सलाहियतों का जादू जगाया, जिनमें अलमदार, जिद्दी पुत्र, जुर्म दा बादशाह, जग्गा, जग्गा जागदा, खेड मुकदरा दी। उसके अलावा उनकी काफी फिल्में सेट पर मौजूद हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले वक्तों में साइमा एक सुपरस्टार के तौर पर अपना मकाम बनाने में कामयाब हो जाएंगी। जिस तरह अब दोबारा फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बहाली की तरफ चल पड़ी है, तो ऐसे आर्टिस्ट अपना मकाम बनाने के अहल हैं, वो अपना मकाम बना लेंगे। और साइमा उन्हीं आर्टिस्टों में से एक है कि जिसकी सलाहियतों का लोहा नाकदीन ने तो माना है, लेकिन चूंकि इंडस्ट्री के जवाल की वजह से कम फिल्में बन रही थी, इसलिए वो अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार नहीं कर सकी। तो उम्मीद ये की जाती है कि साइमा जान आने वाले वक्तों की सुपरस्टार होगी।